यूपी में योगी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा का दावा भले ही कर रही हो, मगर यूपी में गैंग रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला यूपी के बलिया का है, जहां एक शादीशुदा युवती को बंधक बनाकर वह शराब पिलाकर पिस्टल व चाकू की नोक पर चार दबंगों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान के बाद केस की दिशा तय कर कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं गैंग रेप की शिकार पीड़िता के पति की माने तो किसी बात पर 9 मई को मेरा पत्नी से विवाद हो गया, जिससे नाराज होकर मेरी पत्नी 13 मई को घर से निकलकर चली गई। उसके बाद मैंने खोजबीन की पर वह कहीं नहीं मिली और ना ही वह घर लौटकर आई। मुझे एक आदमी पर शक हुआ कि मेरी पत्नी को लेकर वह कहीं चला ना गया हो। मैंने पुलिस थाने में नामजद तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने नामजद तहरीर लेने से ही इनकार कर दिया और गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया। 27 तारीख को किसी तरीके से मेरी पत्नी दबंगों के चंगुल से बचकर भाग निकल आई और बताया कि चार लोगों ने मुझे बंधक बनाकर पिस्टल और चाकू की नोक पर बारी बारी 13 दिन तक लगातार रेप किया। पीड़ित के पति का आरोप है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। पुलिस की सुरक्षा में जिला चिकित्सालय में मेडिकल जांच के लिए पहुंची रेप पीड़िता से जब मीडिया ने बात करनी चाही तो वीडियो में देखे कैसे पुलिस के लोग मीडिया से कैसे नोक झोंक कर पीड़िता का बयान लेने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया से मुश्किल से अपनी बात में कहा कि पिस्टल और चाकू की नोक पर मुझे शराब पिलाकर चार लोगों ने गैंगरेप किया। वहीं पुलिस की माने तो गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। रेप की कोई तहरीर हमको अभी तक नहीं मिली। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान आएंगे उस बयान के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उसको अजीत, उसका प्रिंस, उसका दोस्त है प्रिंस, पप्पू, विक्की, ये चार लोग उसको पकड़ कर डेली गैंगरेप करते थे। 13 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक बंद रखे थे, 26 तारीख तक। ये कहाँ बंद रखे थे? वो बता रहे थे कि सातवार साइड में कहीं एकांत रूम है, जहाँ की हमको बंद करते थे। रात में डेली आते थे लोग मेरे साथ रेप करते थे और दारू पिला पिला कर रेप करते थे, खाना भी नहीं देते थे, मारते थे, फिरते थे। बीच में क्या हुआ कि लड़के को, जिसके ऊपर हम लोग आवेदन दिए थे, वो लड़के को कोतवाल साहब उठा कर लाए। लाने के बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन रखे, उसके बाद उसको फिर छोड़ दिए। छूटने के बाद लड़का फिर अपने उसके चाचा कुबेर है, कुबेर के साथ वो गया। लड़का वहाँ पर जाकर सारे लोग उसके साथ गैंगरेप किए। गैंगरेप करने के बाद क्या हुआ, उसको गले को काट के उसके दुपट्टा से पूरा कस करके बोल रहे थे कि मतलब इसको मार दिया जाए, नहीं तो जब तक जिंदा रहेगी तो हम लोग सारे लोग फंस जाएंगे। कितने लोगों ने किया बलात्कार आपके साथ में? और आप क्या कराए, क्या चाकू के नोक पे? रुकिए बताइए, चाकू के नोक पर हमको अपने बाइक शराब भी पिलाते थे? शराब भी पिलाते थे? महिला कांस्टेबल आपको टॉर्चर कर रही थी क्या बयान बदलने के लिए? हजूर बयान बाहर नहीं देना है। कौन पुलिस बोल रही थी? कल तुमको और किसने आपको मारा पीटा? कल बोले तुम्हारे सास ससुर का हाथ है, तुम्हारे देवर का हाथ है, जब तुम्हारा काम निकल जाएगा तुमको लात मार देंगे। ये कैसे पुलिस को पता लगी? आई जो गर्दन में दाग हुआ है तुम्हारे घर वालों का हाथ।